कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने की समीक्षा। सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा की। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर बैठक में विचार विमर्श हुआ। टास्क फोर्स कमेटी के सुझावों पर यह विचार विमर्श किया गया। पीएम मोदी की वीसी के बाद फैसला आ सकता है। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर हो सकती है घोषणा। कोरोना वायरस को लेकर सीएम अशोक गहलोत गंभीर हैं। लगातार जनहित में प्रयास किए जा रहे हैं। सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना अभियान से जुड़े राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना ड्यूटी के दौरान संक्रमण होने की वजह से आकस्मिक मौत होने पर 50 लाख रुपए देने की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने कोरोना के चलते मृत्यु होने पर सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख रुपए का बीमा करने की घोषणा की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सभी राज्य कर्मचारियों, पटवारियों, संविदा कर्मियों, कांस्टेबल, सफाई कर्मचारियों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और होमगार्ड्स जवान को इसका लाभ देने की घोषणा की है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना ने पूरे देश को, पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। इस महामारी का मुकाबला करने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं और लंबे अरसे से जिस प्रकार प्रदेशवासियों को सहयोग मिल रहा है, उस कारण से लॉकडाउन के बावजूद भी कोई कमी नहीं रखी है। सभी लोगों ने मिलजुल करके इसका मुकाबला किया है। इस बात की मुझे प्रसन्नता भी है और मुझे प्रदेश पे गर्व भी है। हम लोग प्रतिदिन आपस में विचार विमर्श करके फैसले करते जा रहे हैं, जिससे कि पूरी सिचुएशन रिव्यू होती जाए और जो जो समस्याएं आती है उसका निदान करते जाए। आज ही मैंने फैसला किया है कि किस प्रकार से हम लोग सभी कर्मचारियों को, क्योंकि भारत सरकार ने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए कोरोना महा प्रकोप से निपटने के लिए अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 50 लाख का बीमा कर रखा है। हमने उचित समझा कि इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मी नहीं हैं उनके लिए भी, जो सरकारी कर्मचारी है, वो संविदा कर्मी है, कोई भी है, जिसमें आपके ग्राम सेवक, पटवारी, कॉन्स्टेबल, संविदा कर्मचारी में सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी जिसमें होमगार्ड, सिविल डिफेंस, आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आशा इत्यादि, इन सभी को हमने सम्मिलित किया है कि अगर कोरोना अभियान की ड्यूटी पर रहते हुए अगर किसी की कोरोना संक्रमण की वजह से असामयिक मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनके लिए भी 50 लाख रुपये की राशि प्रदान करेगी उनके परिवारजनों को। इस प्रकार हमने कहा है कि कोरोना की संघर्ष के अंदर उसका मुकाबला करने के लिए सरकार कोई कमी नहीं रखेगी और सरकार के साथ साथ में समाज ने जो एकजुटता दिखाई है, मैं समझता हूँ वो तारीफ के काबिल है। राजस्थान में कोरोना वायरस ने पसारे पैर। प्रदेश